प्रेरणादायक कहानी पढ़े लिखे मूर किसी गांव में चार ब्राह्मण पुत्र रहते थे। इनमें से तीन तो शास्त्रों के विद्वान थे किंतु उनके पास बुद्धि नहीं थी। चौथा शास्त्र विद्या के बिना था किंतु उसके पास बुद्धि थी। एक बार उन्होंने सोचा कि हम राजा के पास चलकर क्यों न धन कमाएं। यही सोच वे चारों घर से निकले। रास्ते में एक जंगल में पहुँच शास्त्र विद्या जानने वाले तीनों ने कहा कि हमारा साथी शास्त्र विद्या नहीं जानता, इसलिए इसे हम अपना कमाया धन नहीं देंगे। लेकिन उनके बड़े साथी ने कहा, यारो कोई बात नहीं, आखिर ये हमारा बचपन का साथी है, हम इसे अकेला नहीं समझते। बात समाप्त हुई, वे फिर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें शेर की हड्डियाँ मिली। इन हड्डियों को पाकर तीन ने सोचा, हमें अपनी शास्त्र विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए। यदि हमारे पास सच्ची विद्या है तो इन हड्डियों को इकट्ठा करके हमें शेर बना देना चाहिए। बस फिर क्या था, एक ने उन हड्डियों को इकट्ठा करके जोड़ दिया, दूसरे ने उन पर चमड़ा लगाया, तीसरा उसने जान डालने ही लगा था। तभी जोर से चौथा बोला, ठहरो, पागल मत बनो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये शेर बनने जा रहा है? ये जान पड़ते ही पहले हमें खाएगा। तभी तीसरा बोला, तुम तो अज्ञानी हो, तुम्हें क्या पता शास्त्र विद्या में कितनी शक्ति है, हम तो अपनी शक्ति दिखा कर ही रहेंगे। चौथा बोला, ठीक है, तुम अपनी शक्ति दिखाओ, मैं तो वृक्ष पर चढ़ रहा हूँ। जैसे ही उसने शेर में जान डाली, भूखा शेर दहाड़ा और देखते ही देखते उन तीनों को खा गया। बुद्धिमान वृक्ष पर चढ़ा होने के कारण बच गया। शेर के वहाँ से चले जाने के पश्चात वह वृक्ष से उतरा और अपने घर वापस आ गया। तभी तो कहते हैं विद्या से बुद्धि बड़ी होती है।